म्यूजिक एल्बम बनाया है और दिल टूट गया, लेकिन यहाँ आकर दिल खुश हो गया मेरा ये देखकर कि हमारे जो कश्मीरी भाई हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और जानिसार का तो वैसे भी इन्होंने बहुत सारे गाने बनाए हैं और मुझे इनका म्यूज़िक बहुत पसंद है। और यहाँ पे हमारे दूसरे भाई हैं इसमें, अनान भाई, ये यहाँ इसमें मॉडलिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। और आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस फॉर दिस वेंचर, एंड आई ऑल्सो विश देम दैट दे मेक लॉट ऑफ सॉन्ग्स इन फ्यूचर। गाने सुना आपने, कितना प्रभावित? देखिए गाना इसमें, क्योंकि फोक के ये बड़े माहिर खिलाड़ी हैं हमारे जानिसार साहब, और इन्होंने बहुत कमाल का म्यूज़िक दिया है इसमें। मैंने इनके और भी कई गाने सुने हैं पहले, इन्होंने कश्मीरी गाने भी बनाए हैं और अब ये बॉलीवुड के भी गाने बनाएंगे, और इंशाल्लाह आगे जाके आप देखेंगे कि मेरी फिल्मों में भी गाने ये ज़रूर कंपोज करेंगे। कश्मीर की जब बात होती है और कश्मीर का आप लोग मतलब ये कर रहे थे, कितना मतलब बेनिफिट कहें या ये भी कह सकते हैं कि हाँ कश्मीर को कम से कम अभी भी जिंदा? नहीं देखिए, कश्मीर तो कश्मीर है और कश्मीर में सदियों से फिल्में बनती आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े गाने कश्मीर पे लिखे गए हैं कि ये वादी कश्मीर है। हाँ, इतना बड़ा गाना पूरे कश्मीर पे ही बना था, और शमी कपूर जी ने इतनी फिल्में वहाँ की। इनफैक्ट राजेश खन्ना, शमी कपूर, अमिताभ बच्चन, सारे जितने बड़े स्टार्स थे सब कश्मीर, आज भी कश्मीरी जाते हैं, सलमान खान भी वहीं शूटिंग कर रहे हैं। और कश्मीर एक ऐसी खूबसूरत जगह है जिसके बारे में बहुत सारे कवियों ने कविताएँ लिखी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर ने म्यूज़िक बनाया है, और चूँकि सूफ़ी कल्चर है कश्मीर का, और मुझे इस बात से बहुत बेइंतहा खुशी होती है कि जानिसार साहब बहुत प्रभावित हैं सूफ़ी म्यूज़िक से, और कश्मीर अपने म्यूज़िक के लिए जाना जाता है, और हम बहुत जल्द ही कश्मीर में एक बहुत बड़ा एक धमाकेदार प्रोग्राम करेंगे। मैं चाहता हूं कि कश्मीर में हम कुछ म्यूज़िक फेस्टिवल ऐसा करें 3-4 दिन, और आप सबको हम वहाँ इनवाइट करें। राजी की बात अगर करें तो राजी भी वैसे कश्मीर पे ही बेस्ड था, और आलिया भट्ट भी कश्मीर को खास करके कई बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हाँ कश्मीर में लोग जाने चाहिए और कश्मीरी लोगों से मिल के हमें अच्छा लगा, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहल है कश्मीर में सबसे बड़ी बात होती है कश्मीरियत, उसको कहते हैं, ये अलग ही एक रिलीजन है वहाँ। और मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द कश्मीर एकदम माइंड ब्लोइंग उसी अवस्था में आ जाए जैसे, और मैं सारे बॉलीवुड में या जो भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स हैं उनसे बोलूँगा, आप जाइए अपनी फिल्में कश्मीर में शूट कीजिए, बहुत बढ़िया जगह है, एंड कश्मीर इज सम ए प्लेस दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। आपके प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या क्या है पाइपलाइन में और क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए अभी मेरी दासदेव रिलीज हुई है, और अब मैं एक और फिल्म है मेरी चक्की जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसमें प्रिया बापट है मेरी अपोजिट, वो मराठी एक्ट्रेस जो काफ़ी फेमस है, और ये मीटर जो आजकल तेज़ भाग रहा है बिजली का, ये उसके ऊपर है फिल्म। और इसके बाद मेरी फिल्म आएगी एक लोकल हीरो करके, जिसकी शूटिंग मैं इस वक्त अभी करने जा रहा हूँ हिमाचल में, और 3-4 और फिल्में हैं अब इस साल मेरे ख्याल से आने वाले 1.5 साल में 3-4 फिल्में रिलीज़ होंगी। फिटनेस को लेकर प्रधानमंत्री ने एक अपील की है जो सभी लोग अपना अपना वीडियो बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, हो चाहे ऋतिक रोशन हो चाहे सारे। बहुत बढ़िया बात है, हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही कदावर नेता है, और उनका ये कहना फिटनेस को लेकर या योगा को लेकर या ऐसी वो चीज़ें सफाई अभियान को लेकर, तो मुझे लगता है हमें उसका खैर मुकदम करना चाहिए और हमें उसका स्वागत करना चाहिए, और जो जैसा वो हमें गाइड करें हमें करना चाहिए, अच्छी बात। आपका फिटनेस मंत्र क्या है? भाई मैं तो बोलता हूँ कि थोड़ा डाइटिंग में कंट्रोल करो, लेकिन हम जो हैं हम कश्मीरी हैं एक्चुअली, हम खाते रहते हैं, हम बहुत, हमारा वाजवान भी बड़ा मशहूर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आधा घंटा कम से कम जॉगिंग ज़रूर कीजिए, मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट। आप डेली कितना वर्कआउट करते हैं? मैं 1 घंटा करता हूँ। कमल खान ने गाया है, बहुत ही कमाल का गाया है, और जब भी कमाल कोई भी गाना गाता है बहुत ही अच्छा गाता है, दिल को छू जाता है, और इस गाने को मैंने प्रोड्यूस किया है एक सिंगर होके फर्स्ट टाइम, सो मैं हैप्पी हूँ कि मैं एक अच्छा गाना प्रोड्यूस किया है, और आगे देखते हैं क्या होता है।
नो, मैं एक्टिंग कभी नहीं कर रही हूँ. मैं जो गाने में खुद गाती हूँ उसमें मैं निकल रही हूँ. एयर म्यूज़िक अपना खुद का प्रोडक्शन है. एयर म्यूज़िक स्टूडियो अपना खुद का चैनल है जिसमें हम अपने गाने सब रिलीज़ कर रहे हैं. अपना म्यूज़िक चैनल है. सो जितने भी गाने अभी तक हमने बनाया है अभी वो आज हर गाने को हम दिखा रहे हैं. पहले जो रिलीज़ भी हो गया है वो भी दिखा रहे हैं. जो आज रिलीज़ हुआ है दिल टूट गया वो भी हम साथ में सब प्रेजेंट कर रहे हैं. किसान कश्मीर को प्रमोट करने का भी कुछ ऐसा हम लोगों ने फ्यूचर प्लानिंग किया है विद दिस फोक म्यूजिक? या डेफिनेटली, नॉट ओनली कश्मीरी. हमने सोचा है कि हर लैंग्वेज के गाने हम अपने एयर म्यूज़िक में प्रमोट करें, क्योंकि हिंदी गाना सब सुनते हैं. हम कश्मीरी गाना हो, मैं अपना असम से हूँ, मैं असमिस गाना हो, या पंजाबी हो, जो रीजनल लैंग्वेज के गाने हम चाह रहे हैं कि हम अपने चैनल में प्रमोट करें. चलते चलते हाल ही में अभी आपके जी, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ. आप लोगों को पता है दादा साहब एक्सलेंट अवार्ड मिला मुझे, बेस्ट वर्सेटाइल सिंगर ऑफ द ईयर. उस दिन मैं ऐसे शॉक में थी कि इतना अच्छा एक अवार्ड मिला, मैं कुछ बोल नहीं पाई. मैं खुद ही चली आई, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, स्टेज में भी मैंने कुछ नहीं बोला. सो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे इतना बड़ा एक अवार्ड मिला. उसके लिए मैं हर्ष जी को, पूनम जी को, अजय जी को, पूरा टीम को थैंक्स बोलना चाहती हूँ आज. और जिस गाने की वजह से मेरा एक प्लेटफॉर्म आगे बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, वो अभी बहुत गा चुकी हूँ, मैं नहीं गाऊँगी. सो अभी मैं एक गाना ऐसे ही गुनगुना देती हूँ. नैना हुए बावरे सांवरे, नैना हुए बावरे. बस थोड़ा सा ही गुनगुनाए, कभी गाना यहाँ पे हम दिखाएंगे, पूरा गा दूंगी तो रिवील हो जाएगा. सो आप लोग देखिए और आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिए कि अपना एयर म्यूज़िक चैनल बहुत आगे बढ़े और अच्छा अच्छा गाना बनाए और आप लोगों को प्रेजेंट करें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. थैंक यू. म्यूज़िक लॉन्च किया गाने का ना, रियली इतना सुपर डुपर सॉन्ग. और मुझे लगता है कि ये गाना बहुत ज़्यादा हिट होने वाला गाना है. और एक गाना मैं इनसे अपनी फिल्म के भी लिए मैंने बात की है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अपनी फिल्म के से मैं इनके लिए गाना लूँगा, क्योंकि ये गाना मुझे बहुत पसंद आया. और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं कि ये आगे इसी तरीके से काम करते रहें और हिट हो जाएं बस इनका सॉन्ग के साथ साथ. मैं जानी शार को सबसे पहले ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी. वेरी क्रिएटिव वर्क जो मुझे बहुत पसंद आया और बहुत ही लीक से हटके म्यूज़िक है. आजकल के जैसे डांसिंग नंबर है ये बहुत ही अच्छा, मतलब सोलफुल म्यूज़िक लगा. और बस मेरी तरफ से पूरी टीम को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी. कश्मीरी म्यूज़िक के बारे में, मतलब पहले फर्स्ट टाइम जानेसर जी से सुना एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट कश्मीरी म्यूज़िक फ्रॉम ओनली जानेसर जी. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नई लैंग्वेज, एक नई स्टाइल ऑफ सिंगिंग मुझे सीखने को मिला. एंड मैं आई एम रियली थैंकफुल टू एयर म्यूज़िक एंड जानेसर जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. एंड मुझे लग रहा है कि मतलब इट्स लाइक ऑल द कश्मीरी म्यूज़िक इज़ डूइंग, इट्स लाइक रिवाइवल ऑफ कश्मीरी स्टाइल एंड सूफी एंड फोक. सो इट्स लाइक वी आर ऑल डेडिकेटिंग द म्यूज़िक टू द पीपल ऑफ कश्मीर. तो इट्स लाइक अ ग्रेट थिंग एंड आई एम फीलिंग ग्रेट. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. अबाउट सूफीज़म, तो सूफीज़म जो स्टार्ट होता है वो कश्मीर से स्टार्ट होता है. और आज का जो टाइम आया है रिमिक्स का, तो ऐसा हो रहा है कि पुराने गानों को रिवाइव नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो उनके पास ऑलरेडी गाने पड़े हुए हैं उनको वापस से बेचा जा रहा है. नए आर्टिस्ट को मौका देना चाहिए, क्योंकि इफ़ ओल्ड इज़ गोल्ड न्यू इज़ डायमंड. नए लोगों को मौका देना चाहिए, नए लोगों के साथ काम करना चाहिए. नए लोग आते हैं तो नई चीज़ आ जाती है. और कश्मीरी फोक की जहाँ तक बात है, कश्मीरी फोक जो हम बनाते हैं वो हमने बचपन से जो सुना है वही हम क्रिएट करें, कुछ अपना नहीं बता रहे. लेकिन नयापन यही है कि जो हमारी असली चीज़ है वही नयापन है.
जो मतलब अभी हम हॉलीवुड को फॉलो करेंगे, जाहिर सी बात है जो हॉलीवुड में लोग बजाते हैं बचपन से, उसके साथ अपन कंपेयर भी नहीं कर सकते खुद को, लेकिन जो हमारी अपनी चीज़ हम उसको लेके आगे बढ़े तो अच्छा है। इट्स नॉट अबाउट कश्मीर ऑनली, वी आर ग्लोबली प्रमोटिंग कश्मीरी सूफिज्म एंड कश्मीरी फोक। लाइक ए आर म्यूजिक इज बिकॉज कि हमारा जो ए आर म्यूजिक है, हम नए आर्टिस्टों को आगे लाना चाहते हैं जो रियल में डिजर्व करते हैं, जैसे सिनीति है, शी इज बिकम सो फेमस इन सारेगामा ऑल्सो, वहाँ पे हमने इनकी आवाज़ सुनी, इनके साथ काम किया और नाउ शी इज बिकम सो लीजेंडरी इन कश्मीर। इनका गाना जो है पीर मैनो, अभी छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग लोगों तक के मोबाइल में इनका गाना है। तो नई उड़ीसा से रहती हैं सुनीति जी, और कश्मीरी गाना गाना और इतना फेमस होना कि जितना कोई आज तक उधर हुआ नहीं है, बहुत बड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। डिफरेंट था ये म्यूजिक, बड़ा ही डिफरेंट था। लोग यहाँ पे बैठे थे तो उनकी आंखें नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी गाना सुनते सुनते। कैसे सब हुआ है पॉसिबल इतना बढ़िया? यानी गाने तो कुछ ऐसा नहीं है, बस ऊपर वाले की देन है, कर्म है, हम कुछ जो भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा लगता है लोगों को, बड़ी बात है। बाकी जो हमारा गाना आज दिल टूट गया है, कमल ने गाना गाया है, जो पहले इश्क सूफियाना उनका बड़ा फेमस गाना है, वो अभी कनाडा में शो में आ नहीं पाया, अलबत्ता लोगों ने बहुत पसंद किया इनका गाना, और मेरे पार्टनर अजय जी और मैं हम मिलके ये जो कर रहे हैं इस चीज़ को आगे, नए टैलेंट को आगे लाना चाहते हैं, जितनी कोशिश हो सकते हैं उतने कर रहे हैं। अभी सुनाई देगा मतलब? पीर म्यान्यो गिर्द गो याद आसैनो, पीर म्यान्यो ईर्व छुस तार दी तो याद आसैनो पीर म्यान्यो। अजय जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अजय जी मेरे इसमें किरदार भी कर रहे हैं। किरदार नहीं, ऊपर वाला निज़ाम बनाता है। और अजय भाई क्या है अच्छे, मतलब मेरा म्यूजिक वो तो आप इनसे पूछ सकते हैं, हम क्या बोलें। जी इनका म्यूजिक डिफरेंट है और कुछ समथिंग डिफरेंट लगता है, और म्यूजिक में जान डाल लेते हैं। अगर ये कोई म्यूजिक करते तो समथिंग डिफरेंट सारी दुनिया से। और जो सुनी जी गाती है, मैं हमेशा अक्सर तारीफ करता हूँ उनकी, कि बहुत कम सिंगर होती है जो इतना अच्छा गाती है, बिना रिटेक गाती है। मैंने इनको गाते हुए देखा है, और जानी सर भाई सूफी सॉन्ग इतना अच्छा गाते हैं, म्यूजिक कंपोजिंग इनमें इनका जवाब नहीं। मेरे पार्टनर है इसलिए तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, वाकई में बहुत अच्छे इंसान है, और बहुत जो उन्होंने जितने एल्बम बनाए तारीफ़ काबिल है, अच्छा लगा। किरदार कर रहे थे आप, बंदूक गोली वोले मारे तो एकदम ऐसा लग रहा है। वैसे ही इन्होंने बोला कर लो, मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्टिंग की, इनके बहुत खूबसूरत लग रहा है ऐसे विलन आप। चलो थैंक यू, आप लगता है मुझे विलन बना के ही छोड़ोगे। हाँ अच्छा, म्यूजिक की बात करें तो कितना प्रभावित किया आपको म्यूजिक, कितना प्रभावित किया, और जो लोग यहाँ पे आए आपको आशीर्वाद देने के लिए क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? पहले मैं उन सबको थैंक्स बोलूँगा जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए आए, हमारी टीम के लिए आए, और मेरा म्यूजिक करके नहीं, मुझे कुछ समथिंग डिफरेंट लगा, कुछ अच्छा लगा, और वाकई में अच्छा लगा। अभी हम नए 5 गाने लॉन्च करने जा रहे हैं कश्मीर में, पूरा शूट कश्मीर में कर रहे हैं। तो चलिए सर, आप क्या करना चाहोगे? लोग आए इतना आशीर्वाद दिए उनके लिए, जो अपना कीमती लोग ही है, लोगों को अच्छा लगता है तो सब अच्छा है, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कुछ नहीं अच्छा। तो जनता की डिमांड है कि 2 लाइन आप तारीफ किया है, हमने सुना नहीं लाइव गाते हुए, 2 लाइन बता दो सर। यहाँ देखिए सर, क्या सुनाए आप, सुनाए कुछ आप हम साथ। खुदाया मंग तगमा बेश हारे खुदा आगे आप गए हलंदरित कतित प्रारे खुदा मंग तगमा बेश हारे खुदा। थैंक यू।
गाना जो है दिल टूट गया, दोनों एल्बम जो है बहुत अच्छे लगे, और ख़ास करके दिल टूट गया क्योंकि उसमें मेरे अजीज़ भाई अजय जी ने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया है, मेरे दोस्त हनन ये हाल ही मेरे पड़ोसी भी हैं, और बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत छुपा के रखा मुझसे, कभी बताया नहीं कि ये एल्बम कर रहे, नहीं तो मैं ज़रूर इनको और अप्रिशिएट करता, कुछ और ज़रूर बताता, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने जो जाने सर भाई हैं उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा है इस गाने में, भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, और ओवरऑल इनका जो ये डॉन बन के आए हैं बहुत ही अच्छा लगा, एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया डॉन मिला है। अच्छा चैलेंज दे रहे हो? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये डॉन है, ये डॉन रहेंगे, रियल डॉन रहेंगे, हम जो है हम इनके राइट लेफ्ट रहेंगे, ये हमको इशारा करेंगे उसके बाद सारा काम अपने को करने का है ऐसा। आनंद भाई क्या कहना चाहेंगे पूरे एल्बम को लेके, गाने को लेके, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, और खास करके अगर संगीत की बात करें तो काफ़ी लोगों को प्रभावित किया ये संगीत, ये गाना, म्यूजिक, क्या कुछ कहना चाहिए? संगीत के बारे में यही कहना चाहता हूँ मैं, आई एम प्राउड ऑफ एवरीवन, फर्स्ट थिंग्स एंड वी वर्क टुगेदर टू ऑल द टीम and will performs everyone's very well, and thing it is on the Janisaron Yard Music, they're promoting 5 to 6 song, and we have to work to classic, and thing we was to with Ajay bhai, he also present, and Umar saab, he also do the good and work, and we also teamwork to very performs to very well, and music everyone's a love and music, and we have coming in soon 3 and 4 projects, and that our team really appreciates. And कितना चैलेंज रहा आप दोनों के बीच में, कितना अजय जी आपको टक्कर दे रहे थे, आप उनको टक्कर दे रहे थे, ऐसा रहा? ऐसा नहीं है, टक्कर की बात नहीं होती है, बट जो भी वर्क हुआ तो टीम ने जैसा जा रहा था बेस्ट विलन कौन है वो स्क्रीन से पता चलेगा कौन बेस्ट विलन दिख सकता है, ये आपके एक्टिंग में दम है, जिसके अंदर कितना गुण है और कौन कैसे एक्टिंग कर सकता है, ऐसे नहीं, ही परफॉर्म्स वेरी वेल, एंड जितना मेरी कोशिश थी मैंने करके दे दिया, दैट आई डू वेरी वेल। जी जी, क्या कहना चाहेंगे म्यूज़िक की बात करें और गाने की बात करें, आज एआर म्यूज़िक की बात करें, काफ़ी लोग प्रभावित हुए गाना देखकर सुनकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? Actually, और दोस्तों से आपको रिएक्शन कैसा, किस तरह का रिस्पांस, किस प्रकार का रिस्पांस? एक्चुअली आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट मत कि मैंने एआर के म्यूज़िक में मैंने गाया भी है, जो जुगनी सॉन्ग है उसमें, और आयरनी ये है कि मुझे हिंदी में मैं गाती हूँ लेकिन मैंने कश्मीरी गाया है, और मेरे फ्रेंड्स जबकि ये कश्मीरी पार्ट था बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया क्योंकि ये गाना बहुत अच्छा है। इनफैक्ट एआर म्यूज़िक के सारे गाने बहुत ही कमाल के हैं क्योंकि जानिसार इज़ अ वेरी टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर, सो आई हैव बीन रियली फॉर्चुनेट जैसे मैंने बोला, तो मैं उसकी 2-3 लाइनें आपको गा के सुना देती हूँ कश्मीरी की, बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू, वेरी नाइस। जी जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुस्कुरा रही हैं दूर दूर से, आप खाली मैंने गाया नहीं है, मैंने कोई सॉन्ग नहीं गाया है। वेल मैं जानिसार जी को, रानी जी को बहुत पहले से जानती हूँ, एंड दे बोथ आर फैबुलस, यू नो, मैंने वीडियो देखा, मैंने सॉन्ग सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड स्पेशली इनकी आवाज़ ही इतनी सेडक्टिव है कि आप सुनते ही मैजिक क्रिएट होता है, तो मैं बस इन लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी, सबने बहुत अच्छा काम किया है, आई लव द वीडियो, आई लव द कोरियोग्राफी, आई लव द सिंगिंग, एवरीथिंग इज जस्ट वेरी नाइस, एंड इनफैक्ट कश्मीरी सॉन्ग मैंने पहली बार सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्या हो रहा है प्रोजेक्ट, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है मतलब अभी फिलहाल? वेल आई एम डूइंग अ शो कॉल्ड मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव ऑन स्टार प्लस, तो अभी हम लोग ने लॉन्च किया, 21st को लॉन्च हुआ था, और उसके अलावा एक मैं फिल्म भी कर रही हूँ, हिंदी फिल्म भी कर रही हूँ, द क्रॉस। थैंक यू। ड्रेस की अगर बात करें, क्योंकि आप ड्रेस डिजाइनर हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा था, और लड़के लड़का भी लड़की भी, तो कैसे
आपके जहन में आया और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फेज को लेके, इस गाने को लेके, म्यूजिक को लेके? सबसे पहले तो मैं एयर म्यूजिक का सभी टीम मेंबर का कंग्रेचुलेट करती हूँ, और जहाँ तक ये डिजाइनिंग का या कॉस्ट्यूम का सवाल है, जो ये जो थीम है, जो जिन्होंने बनाया ये थीम, बहुत अच्छा थीम है, उनके अकॉर्डिंग ड्रेस डिज़ाइन किया गया है, और ये जो एक्टर जितना भी आर्टिस्ट है, जो ये हीरो हीरोइन है, तो उन लोग ने भी बहुत अच्छा कैरी किया और इतना अच्छा एक्टिंग किया, और मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी मैं एयर म्यूजिक का पार्ट हूँ, और ये एल्बम नहीं, ये मैंने काफ़ी सारे इनके एल्बम किया, जितना भी इनका एल्बम लॉन्च हुआ है, अभी कुछ दिन पहले एक दुबई में किया था, उनका भी पूरा डिज़ाइन किया, और कश्मीरी का किया मैंने, 2-3 एल्बम किया एयर म्यूजिक का, काफ़ी सारे मैंने एल्बम किया है इनका, बैक टू बैक मैंने जितना भी एल्बम आ रहे तो सभी एल्बम में मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, और इन लोग के साथ काम करके, खास करके इतना अच्छा टीम है, बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे पहले मैं अभी रानी जी को भी कंग्रेचुलेट करती हूँ, मेरे बहुत अच्छे सितारे और अच्छे सिंगर भी है वो, और जानी सैलोन मेरे ब्रदर, बहुत अच्छा म्यूजिक किया है, और इतना अच्छा सिंगिंग है इसमें, इतना अच्छा म्यूजिक है। अजय जी का डिजाइन करके कैसा लगा आपको? चैलेंज था आपके लिए, टफ था चैलेंज ड्रेस डिजाइन करना? सबसे बड़ा हैप्पी टू खुशी हुई कि नहीं? हाँ, सबसे बड़ा मैं इनका डिजाइनर हूँ, और इनके डिजाइनिंग में मेरे नाम आया, और इससे खुशी का बात क्या हो सकती है? जी, एआर म्यूजिक जो है, अभी उन्होंने अपने कुछ एल्बम के गाने यहाँ पर हमें दिखाए, और उसको सुन के ये लगता है कि एक आजकल का जो दौर है जहाँ पर विजुअल ज़्यादा आपके दिमाग पर हावी हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम कंटेंट को और गाने को महसूस करें, सो इन दिस मोमेंट जहाँ पर इस तरह की चीज़ हो रही है, वहाँ पर मुझे ये गाने सुनकर एक, इस गाने में एक रूहानीपन है, जो आप उसको अगर ना भी देखें तो सुन के आप अपने दिमाग में एक विजुअल पैदा कर सकते हैं कि गाना क्या है। तो ये खूबसूरती आजकल कम देखने को मिलती है, और जान भाई जो इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो कमाल के बेहद टैलेंटेड अपने आप में एक कलाकार भी हैं, और उनके हर काम में मैंने देखा है कि कुछ एक स्पिरिचुअल टच रहता है, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। एआर म्यूज़िक बहुत अच्छा एक कदम लेके आगे बढ़े हैं, अपनी कंपनी लगा के जहाँ पर गानों को आगे नए लोगों को मौका भी मिलेगा, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। फ्यूचर में आप सब कुछ जी, फ्यूचर में हमारी बिबिया फिल्म्स मेरा प्रोडक्शन है, जिसके अंदर हम कई सारी फिल्में, करीबन 4 फिल्में हमारी है, तो उसमें कुछ एक अलग तरीके का रूहानीपन और फिल्मों के अंदर एक अलग तरह की बात हमें चाहिए, तो वो गानों पे जब जान भाई से हमारी बातचीत हुई और जो म्यूज़िक के ऊपर बात हुई, तो कमाल की बात ये थी कि वो पहली बार सुन के ही हमने उनके कुछ गाने सेलेक्ट किए हैं, और आने वाली फिल्मों में, सारी फिल्मों में जान भाई का काम एआर म्यूज़िक के साथ हम जुड़े रहेंगे, और ये हमारी एक आपसी अंडरस्टैंडिंग भी है, और मैं चाहूँगा कि उनके साथ काम करूँ। थैंक यू। कश्मीर को लेकर मैं यही कहना चाहता हूँ, कश्मीर में जितने भी लड़के हैं वो म्यूज़िक में ज़्यादा है, एंड दे आर कमिंग वॉन्ट टू लाइक यू नो म्यूज़िक एंड लाइक एक्ट एंड टू लाइक यू नो समथिंग मॉडल्स, बिकॉज वहाँ पे होप चाहिए, वहाँ पे अपने जो अपने चीफ मिनिस्टर साहब है, एंड वो भी हमेशा ये बयान करते हैं जितने भी यहाँ पे फ्लॉ बढ़ाओ लड़कों को, उनको एक अप्रिशिएट कर लो और एक उनको सपोर्ट कर लो, क्यों, वहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है, हर कोई इंसान जानता है। आई वॉन्ट टू लाइक अवर क्लास, बिकॉज वहाँ पे जैसे अभी बहुत सारे टीमें जो हायर करवा देती है, बिकॉज वहाँ पे दे आर अ वेरी इनोसेंट पीपल एंड दे आर वेरी टैलेंटेड पर्सन, वेरी टैलेंटेड गर्ल्स एंड गर्ल्स इज ऑल्सो वेल, एंड उनको वही एक होप चाहिए। वही मैं बोलना चाहता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, आई एम रियली अप्रिशिएट टू हिम, उसने बहुत सारे वहाँ पे जो अपने एम्पियर्स रखे हैं एंड बहुत सारे लीजर्स रखे हैं, बट मैं वही कहना चाहता हूँ, जस्ट गिव इन द लाइक इन द फोक्स एंड जस्ट यू नो जितना भी वहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है वो कम होना चाहिए, बट लोगों का होप अच्छा होना चाहिए म्यूजिशियन में एंड म्यूज़िक में एंड यू नो प्रोडिंग्स में।
ऐसा मैं कहना चाहता हूँ. और मैं आई प्राउड ऑफ यू नो दैट माई कश्मीरी गाइज एंड एंटायर थिंग दे ऑल द प्राउड एंड फील एंड द बेस्ट कश्मीरीज एंड गाइज दे सेटल ऑन द यूरोप दे आर लिविंग फ्रॉम इटली फ्रांस जर्मनी न्यूजीलैंड बिकॉज ऑफ वाई बट वाई डोंट द वर्क फ्रॉम इंडिया बिकॉज वी लव इंडिया दैट इज दिक. ऐसा नहीं है लोगों के दिमाग में है वहाँ पे उनकी दिमाग में लाइंसेस अलग ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा मैं कहना चाहता हूँ खोज बड़े और कश्मीर एक मोहब्बत और जितना भी म्यूज़िक है कितने पहले से अपने जितेंद्र साहब है शमी कपूर साहब है सब मूवी जैसे पहले बनती थी श्रीनगर में. मैं ये कहना चाहता हूँ अब भी जैसे सलमान साहब है अपने शाहिद कपूर साहब है सब जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज़ है सब दिया लव द कश्मीर वी शूट फ्रॉम देयर. क्यों नहीं वाई नॉट. चलो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस. मैं सबसे पहले मैं इनको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी ये अजय गोसालिया मोशन पिक्चर्स एंड एआर म्यूजिक स्टूडियोज़ को. और जो मैंने देखा यहाँ पे जो दो गाने अभी देखे माशाल्लाह बहुत सुंदर है बहुत ही सुंदर है. जो रानी जी ने जो गाना गाया है उसमें वो दिखी भी बहुत सुंदर है उनका आवाज़ तो हम सभी उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं. और फिर दूसरा जो देखा उसमें आपका तो किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा. ये अभी तो मैंने दो गाने देखे ये बहुत सुंदर हैं अभी पूरा देखेंगे और तो वो पूरा अच्छा ही. मैं म्यूज़िक की तरफ से मेरी बहुत बहुत बधाई अजय भाई को और बहुत अच्छा सोलफुल म्यूज़िक बनाया है. अभी आजकल सोलफुल म्यूज़िक ख़त्म होते आ रहा है लेकिन ये एल्बम से लगता है कि सोलफुल म्यूज़िक फिर से आएगा. और अजय भाई जब भी किसी चीज़ में काम करते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ ये काम सोल से हो दिल से हो और अजय भाई का दिल से काम होता है. तो मेरी बहुत सी शुभकामनाएं अजय भाई को. और चार गाने अभी आने वाले हैं उसमें अभी और देखना है क्या क्या खुलने वाला है. मेरी कांग्रेचुलेशन. थैंक यू वेरी मच.